हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में 3 घंटे के लिए खुल जाएंगे स्कूल और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, मगर स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां हुई शुरू। प्रदेश में 15 अक्टूबर से नियमित 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई होगी। लंच ब्रेक है वो नहीं होगा, मगर मंगलवार को ही अफसरों की बैठक में ये फैसला लिया जा सकेगा। कोरोना की वजह से मार्च से बंद हुए स्कूलों में 15 अक्टूबर से नियमित पढ़ाई शुरू होगी, यानी कि चहल पहल शुरू हो सकेगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 3 घंटे ही पढ़ाया जा सकेगा, जो कि सुबह 9 से 12 बजे तक चलेगा और इस दौरान कोई भी लंच का ब्रेक नहीं होगा। बच्चे लंच घर जाकर ही करेंगे और अभिभावकों से बच्चों को लेकर उनकी अनुमति नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने बताया है कि विभागीय अधिकारियों ने स्कूल खोलने को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है, जिसमें बच्चों को संक्रमण से बचाना भी शामिल है। हर स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। स्कूल बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अपने फंड से ही खर्च करेगा और इसके ऊपर बैठक के बाद ही अंतिम फैसला और मुहर लगाई जा सकेगी। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के 6,10,000 स्टूडेंट सरकारी व इससे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पिछले माह अभिभावकों ने स्कूल खोलने को लेकर पूछा गया था तो 32,000 बच्चों के परिजन ही इसके लिए सहमत हुए थे। इधर नियमित स्कूल संचालित होने पर भी ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए उन्हें परेशानी ना आए। मगर कई मुख्य बातें शामिल की गई है जो एहतियात के तौर पर जरूरी होगी। हर कमरे में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं बैठाए जा सकेंगे। जिस कक्षा में ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो स्कूल में सेक्शन बढ़ाए जाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। बच्चों के स्कूल में प्रवेश व बाहर निकलने पर भी उनमें जरूरी दूरी का रहना आवश्यक है। बच्चों को मास्क लगाकर ही स्कूल में आना होगा और हाथों को सैनिटाइज कराना भी स्कूल की जिम्मेवारी होगी। साथ ही थर्मल स्कैनिंग भी की जा सकेगी। 8वीं तक की कक्षाएं नवंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। 1 से 8वीं तक की कक्षाओं पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। इनकी कक्षाएं नवंबर में खुल सकती हैं, इसी को लेकर विभाग अपनी प्लानिंग में जुटा है। हालांकि नवंबर में स्कूल कब खुलेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो स्कूल खोलने की तैयारी को लेकर एक बड़ी अहम अपडेट हम आपको हरियाणा की दे रहे हैं, जहां पर कोरोना काल में 3 घंटों के लिए स्कूल खोलने पर सहमति नजर आ रही है, मगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी। सवाल ये उठता है कि जब इतने कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो क्या स्कूल इस बात की जिम्मेवारी तय और निश्चित करेंगे कि वहाँ पर बच्चों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, किस तरीके से बच्चों को कोरोना से बचाया जाए, क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क का ये सब चीज़ें चलेगी या फिर उसी लापरवाही के अंदर स्कूल ही चलेंगे जैसा हम रोजाना आप और हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने मास्क का साथ ही छोड़ दिया है। मगर अब तो ये भी कहना मुनासिब होगा कि कोरोना ने भी हरियाणा वालों का साथ छोड़ दिया है। इन सब के बीच में अच्छी खबर ये है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही कोरोना का खात्मा हरियाणा से होगा। पूरे देश में कोरोना का रिकवरी रेट अच्छा है, मगर स्कूलों में बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, इनको बचाकर रखना भी जिम्मेवारी है। मगर बच्चों की पढ़ाई जारी हो सके इसके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं और देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए तेज हरियाणा के साथ। आपकी सपोर्ट और सहयोग यही चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।